हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इंडियन ज्ञान टीवी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम झारखंड राज्य के देवघर जिला के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। देवघर पूर्वी भारत के राज्य झारखंड के 24 जिलों में से एक है। इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय देवघर शहर में स्थित है। इस शहर को बाबा की नगरी बैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह जिला संथाल परगना के अंतर्गत आता है। इस जिले की स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी। देवघर का अर्थ होता है वैसा स्थान जहां पर देवता और देवियों का वास होता है। शहर को बाबा धाम के नाम से जाना जाता है क्योंकि शिव पुराण में देवघर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहां पर भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर स्थित है। हर साल सावन में यहाँ पर लाखों शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है, जो देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों से यहाँ पर आते हैं। इन भक्तों को कांवरिया कहा जाता है। ये शिव भक्त बिहार के सुल्तानगंज से गंगा नदी से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके देवघर में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। शहर शांति और भाईचारे का प्रतीक रहा है। देवघर की समुद्र तल से ऊंचाई 254 मीटर है। देवघर जिला से रांची की दूरी 250 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ और देश की राजधानी दिल्ली से 1284 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ है। देवघर जिला अपने कई पड़ोसी जिलों से सटा हुआ है। देवघर जिला के उत्तर में बांका और जमुई जिला, पूर्व में दुमका जिला, दक्षिण में जामताड़ा जिला और पश्चिम में गिरिडीह जिला अपनी सीमा से साझा करता है। देवघर जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 2479 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिले की जनसंख्या 14,92,073 थी, जिसमें से पुरुषों की आबादी 7,75,022 और महिलाओं की आबादी 7,17,051 थी। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल जनसंख्या 12,33,712 और शहरी क्षेत्रों में 2,58,361 थी। देवघर जिले का लिंगानुपात 925 है, यानी यहाँ पर 1000 पुरुष पर 925 महिलाएं हैं। जिले की साक्षरता दर 66.34% है। देवघर जिला में 10 ब्लॉक, इनका नाम देवघर, देवीपुर, मोहनपुर, सरवन, सोना रायथरी, मधुपुर, सरत, पालाजोरी, कैरोन और मांगो मुंडा है। जिले के अंतर्गत 2 अनुमंडल देवघर और मधुपुर है। जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र और 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। देवघर जिला के अंतर्गत 196 ग्राम पंचायत तथा कुल गांवों की संख्या 1882 है। धार्मिक जनगणना के अनुसार देवघर जिले में हिंदुओं की जनसंख्या 78.09% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 20.28% तथा बाकी में अन्य धर्म के लोग 1.63% लोग निवास करते हैं। देवघर जिला में कई पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल बने हुए हैं, जो इस प्रकार है। नवलखा मंदिर, यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण राधा को समर्पित है। नवलखा मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर लगती है, कोलकाता में बेंगलुरु मठ की तरह ही दिखती है। मंदिर का निर्माण 1940 में पश्चिम बंगाल के पथुरिया घाट की रानी चारुशीला देवी ने कराया था। नवलखा मंदिर अपनी स्थापत्य कला की सुंदरता, भक्ति और प्रेम के लिए जाना जाता है। यह एक बहुत सुंदर मंदिर है। तपोवन देवघर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तपोवन में शिव का एक मंदिर है जिसे तपनाथ महादेव कहा जाता है। इस पहाड़ी में कई गुफाएं बनी हुई हैं। एक गुफा के अंदर शिवलिंग स्थापित है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी ने गदा से चट्टान पर मारा तो यह चट्टान फट गई और एक कुंड बन गया, जिसे सुक्ता कुंड के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर आप पेड़ पौधों तथा पहाड़ों तथा पुरानी गुफाओं को देख सकते हैं। पहाड़ियों के नीचे सीता कुंड स्थित है। कहा जाता है कि सीता माता यहाँ पर स्नान करती थी। रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, देवघर जिला से रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ रामकृष्ण की एक शाखा है। विद्यापीठ के मुख्य उद्देश्य हमेशा ज्ञान प्रदान करना और हमारी प्राचीन संस्कृति को बनाए रखना और इसको आगे ले जाने में मदद करना है। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वरोजगार, ग्रामीण विकास, महिला कल्याण, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सामाजिक कल्याण, मानव आवश्यकताओं क्षेत्रों को कवर करने वाली विविध गतिविधियों को चलाती है। त्रिकुट पहाड़, त्रिकुट पहाड़ देवघर का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह स्थल देवघर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पहाड़ी की चोटी पर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। इस पहाड़ी को त्रिकुट पहाड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पहाड़ी में 3 चोटी देखने को मिलती है, इसलिए इसका नाम त्रिकुट रखा गया है।
त्रिकुट पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए यहां पर सीढ़ी और रोपवे का सुविधा उपलब्ध है। अगर आप रोपवे से आते हैं तो आपको इसकी फीस देनी होती है। पहाड़ी पर स्थित जो वातावरण आपका मन मोहक दृश्य प्रस्तुत करता है, यह सुरम्य दृश्य आँखों को आनंदित करता है। देवघर हवाई मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग द्वारा देश के अन्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कई नियमित बस सेवाएं यहां पर उपलब्ध हैं, जो देवघर शहर से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के आसपास शहरों के लिए उपलब्ध है। यहां का रेलवे स्टेशन जसडीह जंक्शन है, जो हावड़ा पटना नई दिल्ली रेल मार्ग को जोड़ता है। देवघर जिला में अपना कोई हवाई अड्डा नहीं है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा लोक नारायण जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। दोस्तों, देवघर जिले के बारे में जानकारी कैसे लगी और बाबा बैद्य धाम के बारे में आपकी कोई कमेंट हो तो हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।